हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे हॉकी की सीरीज़ के बारे में। तो मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं एमचू मास्टर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, 100% ये कंफर्म था कि हॉकी की सीरीज़ का हमें ट्रेलर देखने मिलेगा आज, जो कि उम्मीद है मुझे कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा, कॉज मैंने भी देख लिया है। तो देखो, बात करूँ ट्रेलर के रिव्यू के बारे में, तो मुझे तो ट्रेलर अच्छा लगा, बट इतना भी नहीं अच्छा लगा। देखो, ट्रेलर ने मतलब हाइप अप नहीं किया है, बट हाँ बहुत ही चिलिन वाइब आई है मुझे ट्रेलर को देख के, यानी कि कॉमेडी टच भी मिला है और चिलिन वाइब आई है। और जो इन दोनों की केमिस्ट्री थी, यानी कि केट बिशॉप एंड हॉकी की, जो कि मार्वल स्टूडियोज़ बता रहा था ट्रेलर में, तो वो भी मुझे बहुत अमेजिंग लगा है। बस देखना है कि ऑन स्क्रीन और भी मतलब उन लोगों को टाइम मिलने वाला है तो कितना मज़ा हमें आता है। वैसे इस टीजर ट्रेलर में हमें देखने मिले हैं केट बिशॉप, क्लिन बार्टन और क्लिन बार्टन की फैमिली, प्लस हमें देखने मिली है केट बिशॉप की मॉम, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, इनका नेम है एलेनर बिशॉप। और साथ ही में हमें देखने मिलते हैं ट्रैक सूट माफिया, और हमें एको भी दिखाई दी है, मतलब बहुत छोटा शॉट था बट वो हमें दिखाई दी है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो। तो देखो, मेरे अकॉर्डिंग मार्वल स्टूडियोज़ ने इस टीजर ट्रेलर के ज़रिए हमें सिर्फ यही बताया है कि जो सीरीज़ होगी उसमें कॉमेडी टच होगा और चिलिन वाइब, जैसे कि मैंने कहा, मुझे आई है। प्लस उन लोगों ने बताया इन दोनों का रिलेशनशिप कि किस तरीके से होने वाला है सीरीज़ के अंदर, प्लस क्रिसमस को लेकर जो मतलब उन लोगों ने सेट किया है वो तो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। सीरीज़ में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है सच्ची में, कॉज आप लोगों ने सेट इमेजेस वीडियोज़ वगैरह तो देखे होंगे, तो वो सब हमें ट्रेलर में देखने मिले वो सब सीन्स। अगर आप लोग स्टार्टिंग से मुझे फॉलो करते होगे तो आप लोगों को पता होगा मैं किन किन सीन्स के बारे में बात कर रहा हूँ। वैसे इसी के साथ ट्रेलर में ये भी कंफर्म कर दिया गया है कि जो क्लिन बार्टन है वो जाएगा बैरा। आप लोग इस सीन में देख सकते हो कि क्लिन बार्टन ने ईयर में पहना है ईयरिंग 8, यानी कि वो कैसे मतलब होने वाला है बैरा वो नहीं पता, बट वो बैरा होने वाला है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो। तो ये अभी कन्फर्म हो चुका है, मतलब बहुत पहले ये रूमर चालू था जो कि अब जाके कन्फर्म हुआ है। अब सीरीज़ में देखते हैं कि किस तरीके से बहरा होगा। वैसे इसी के साथ मैं आप लोगों को ये भी याद दिला दूं कि बहुत पहले रूमर ये भी मिला था कि हमें रोनिन का पास्ट भी दिखाया जाएगा, यानी कि क्लिन बार्टन का ही, तो वो सीन मतलब हमें देखने मिला ट्रेलर वगैरह में, जहां पर हमें पता चलता है कि जो क्लिन बार्टन है वो तो रोनिन था, बट अब रोनिन बन के घूम रही है केट बिशॉप, जो कि बाद में मतलब क्लिन को पता चलेगा, फिर वो जाके चेकअप वगैरह करेगा कि मतलब सीन क्या है, ठीक है। तो देखो, हमें एक और एक शॉट दिखा है ट्रेलर में, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो। तो यहाँ पर ये जो मतलब है रोनिन, मुझे लगता है कि ये होगी एलेना बेलोवा। तो आप लोगों को पता ही है कि एक रूमर ये भी चालू है कि एलेना बेलोवा हमें दिखाई देगी हॉकी की सीरीज़ में, लेकिन रोनिन के कॉस्ट्यूम में, ये रूमर चालू है, ठीक है। एलेना बेलोवा दिखाई देगी सीरीज़ में, ये तो अभी कन्फर्म हो चुका है, बट जो मैं रूमर बता रहा हूँ वो ये है कि वो दिखाई देगी रोनिन के सूट में, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आप लोग यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। तो मेरे हिसाब से ये हो सकती है एलेना बेलोवा, क्योंकि इसका फेस नहीं दिखाया गया है, तो पॉसिबल है कि हो सकती है वो। तो देखो, ये पॉसिबल क्यों मैं आप लोगों को बताता हूँ जो मैं सोच रहा हूँ। तो देखो, हमने जो ब्लैक विडो मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था, तो हमने देखा था कि वो टैप में देखती है हॉकी को उसके रोनिन कॉस्ट्यूम में। तो पॉसिबल है कि वो सेम कॉस्ट्यूम में जाए उस पर हमला करने, फिर बाद में सब उसे सीन पता चले, ऐसा हो सकता है, और मेरे हिसाब से सूट देगी वेल, पॉसिबल है। और अब बात करूँ मेरे फेवरेट सीन के बारे में, तो जो ट्रेलर में मेरा फेवरेट सीन था, तो देखो दो मेरे फेवरेट सीन है जो कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा अमेजिंग लगी है। एक ये वाला था जब वो लोग जो फायर लगा के ग्लास बॉटल है वो थ्रो करते हैं, फिर रिटर्न क्लिन बार्टन थ्रो करता है उन लोगों पर ट्रैक सूट माफिया पे, तो वो मुझे अमेजिंग सीन लगा। और एक ये वाला सीन, दोनों मतलब बाजू बाजू खड़े और किस पर अटैक कर रहे आई थिंक, तो ये दोनों सीन मेरा फेवरेट है ट्रेलर में से। और इसी के साथ आप लोग ये भी पूछ रहे होंगे, यानी कि सोच भी रहे होंगे और पूछ भी रहे हो कि हॉकी की सीरीज़ हमें हिंदी में देखनी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देखो, ये तो मतलब बहुत पहले कन्फर्म हो चुका था और मैंने आप लोगों को बता भी दिया था कि हॉकी की सीरीज़ हमें देखनी मिलेगी हिंदी में। और रिसेंटली फिर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार और मार्वल इंडिया ने अपलोड किया है, यानी कि आप लोग कैप्शन पढ़ सकते हो कि हिंदी और भी मतलब डब लैंग्वेज में हमें देखने मिलेगी। तो देखो, एंजॉय करो, और आप लोगों ने जो ट्रेलर में मतलब कैच किया है मुझे आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाकी आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग क्या लगता है कि किंग पिन को ट्रेलर 2 में दिखाएगी या नहीं दिखाएगी हॉकी की सीरीज़ के। वैसे यहाँ पे देखो, मैं और एक चीज़ कहना चाहता हूँ, तो देखो ये पॉसिबल है कि डेयर डेविल भी हमें दिखाई दे हॉकी की सीरीज़ में, कॉज इंटरनेट पर बहुत बातचीत चालू है, कॉज दोनों की टाइमलाइन सेम है और दोनों में क्रिसमस होने वाला है,
तो पॉसिबल है कि किंग पिंग और डेयर डेविल हमें दोनों जगह पे दिखाई दे, हॉकी की सीरीज में भी और स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी में भी। तो देखते हैं। देखो स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी बड़ी है बट मुझे नहीं लगता है कि किंग पिन हमें दिखाई देगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। डेयर डेविल का हाँ वो दिखाई देगा बट किंग पिन का मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा बड़ा रोल होगा। अगर वो दिखाई भी देता है तो होगा तो मतलब उसका मेंशन होगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक दो मिनट के लिए वो होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि हॉकी की सीरीज़ हिंदी में आएगी और जो मैंने आप लोगों को येलेना बेलोवा के बारे में बताया है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को क्या लगा ट्रेलर को देख के, कैसी वाइब आई है और आप लोगों के फेवरेट सीन कौन से थे। मैंने तो मेरे बता दिए आप लोगों को और रेटिंग चाहो तो दे सकते हो आप लोग। तो इस वीडियो को लाइक करो और क्यों बंदा है बंदी वो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलता हूँ वैसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन चैनल को शेयर करो।